हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट आज का आप टॉपिक देख रहे हैं, टुडेज टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो उसकी वैल्यूज होती है उसको आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उसका निकालना हम आपको आपको सिखाएंगे स्टूडेंट्स। तो पहले तो स्टूडेंट मैं आपको एक चीज सिखा दूं, कोई भी जो नंबर्स होते हैं उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में पहले रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोला मैंने, एक वर्ड साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि सपोज कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है 256। अब 256 को आप 2.56 इंटू 10^2 के फॉर्म में देख सकते हैं, यानी कि कोई भी नंबर जो होता है, कोई भी नंबर है, आप उसको n इंटू 10^x के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो शो करता है, ये जो n इंटू 10^x के फॉर्म में है, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ओके स्टूडेंट, और ये जो अकेला n लिखा है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये होती है 10^। तो आज स्टूडेंट मैं आपको कोई भी नंबर, एनी नंबर को आपको मैं आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना आज आपको सिखाऊंगा, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 10^ के फॉर्म में दिखाई देखिए, है ना। और OM के मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि किसी भी नंबर को आप पावर ऑफ 10 के फॉर्म में आप दिखाते हैं तो उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, क्लियर हो गया, जो पावर होती है। तो जैसे सपोज कीजिए, मैं स्टूडेंट आज आप लोगों को मैं दो मेथड बताऊंगा, क्योंकि बहुत सी बुक्स में दो मेथड है, एक मेथड में ये वाला बताने जा रहा हूं, दूसरा ये वाला है, ये कैसे करके मैं आपको ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू एन की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है अगर आपका 0.5 से तो बड़ी है, क्या बोला मैंने, 0.5 से बड़ी है, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू एन की वैल्यू 5 नंबर्स के बराबर है या उसे छोटी है, 5 से छोटी या उसके बराबर होती, तो ये n मेन चीज कंसीडर ये करता है। जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे n लिखा हुआ है, दैट इज क्योंकि आपको तो 10 के पावर में निकालना है। तो n निकालने के लिए जैसे सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मेरे पास नंबर है 256, तो 256 को आप 2.56 इंटू 10^2 के फॉर्म में करेंगे। देखिए आप ये पूछेंगे आपने ऐसा क्यों करा, देखिए इसलिए क्यों, क्योंकि हमारे पास रेंज है 0.5 से लेके 5, यानी 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। अगर ये डेसिमल हम इधर कर देंगे, 0.256 इंटू 10^3 कर देते, 0.25 से छोटा पड़ जाएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको लेना है केवल यही रेंज लेनी, 0.5 से लेके 5 के बीच में। तो हम क्या करेंगे कि ये 256 को 2.5 इंटू, क्योंकि आपने दो प्लेस इधर शिफ्ट करे हैं डेसिमल, तो यहाँ 10^2 आ जाएगा। अब 2.56 आप देख रहे हैं, ये 5 से तो छोटा है लेकिन 0.5 से बड़ा ही है, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब न्यूमेरिकल वैल्यू जब ये आ जाती है तो हमारा जो यहाँ 10^2 आती है, 10^2 आ रही है ना, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा 10^2 ये ऑर्डर में, यानी कि आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि 256 नियर अबाउट इक्वल टू 10^2। ये आपको समझ में आया, ये 10^256 को नियर अबाउट 10^2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे एक और स्टूडेंट, अगर आपके पास नंबर है 781, क्या बोला मैंने, 781, तो आप समझ गए होंगे, अगर आपने 0.7.81 लिखा तो ये 7.81 5 से बड़ा हो जाएगा, जबकि हमने आपको बताया कंडीशन न्यूमेरिकल वैल्यू की 0.5 से लेकर 5 के बीच में होना है नंबर। तो हम क्या करते हैं, डेसिमल को यहां पे शिफ्ट कर देते हैं, 7 के आगे शिफ्ट कर देंगे, तो यू विल कहता है 0.781 इंटू 10^3। देखिए स्टूडेंट आप क्या बोल रहा हूं, 0.781 इंटू 10^3, क्योंकि आप तीन प्लेस डेसिमल आपने यहां शिफ्ट किया है तो ये 10^3 आ गया, और आप देख रहे हैं जब डेसिमल यहां लेते तो यहां 0.7 आ रहा है, और आप जानते हैं 0.7 जो है, आप समझ गए होंगे कि 0.5 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा, यानी कि रेंज यही रहनी है स्टूडेंट, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 0.781 5 से तो छोटा है लेकिन 0.5 से बड़ा है, तो ये हमारा है। तो अब हमारी जो 10^2 आई, ये हमारी आ गई 10^3, इट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी आप यूं कह सकते हैं स्टूडेंट कि 781 को आप लगभग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10^3। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमने आपको सिखा दिया दो नंबर पर, 781 का और 250 से। कुछ बुक्स में स्टूडेंट क्या है कि अंडर रूट 10 से भी कंपेयर करते हैं, जैसे कि कोई नंबर, जैसे यही मैं फिर एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, जैसे 256 है, 265 आप चाहे, इसमें कोई रेंज नहीं है, इसमें यह 250 को हम कंपेयर करते हैं अंडर रूट 10 की वैल्यू, यानी 3.16, क्या कर रहा हमने, 3.16। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आप जब इसको बनाएंगे तो 2.56 इंटू 10^2 हो गया, तो 2.56 को आप जो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको आप कंपेयर किससे करेंगे, अंडर रूट 10 की वैल्यू 3.16 है, तो आप देख रहे हैं कि 2.56 छोटा है और 3.16 बड़ा है। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है और अंडर रूट 10 की वैल्यू यानी 3.16 बड़ी होती, तो जो हमारा 10^2 आता है वही हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन जाएगा, यानी कि 256 नियर अबाउट इक्वल टू 10^2। ये हमारा इस तरह से दिखाने, कुछ बुक्स में ये अंडर रूट 10 की वैल्यू लेके भी समझाया गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट, और अगर बाय द वे स्टूडेंट हमारे पास नंबर है 781, अब आप देख रहे हैं हमने कहा कि आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिखाना, तो आपने क्या करा, 7.81 इंटू 10^3 ले लिया, क्या ले लिया, 7.81 इंटू 10^3 ले लिया। अब 7.81 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको 3.16 से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 7.81 बड़ा है, 7.81 बड़ा है। अब बड़ा है तो जो 10^2 जो होती है उसमें 1 प्लस कर देते हैं अपनी तरफ से,
तो आपने देखा 10 की पावर 2 प्लस 1 कर दिया, क्या कर दिया, 10 की पावर 2 था पहले से, उसे प्लस 1 और करके 10 की पावर 3 बना दिया, तो 10 की पावर 3 जो है 781 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी कि इसकी जो पावर है वो 3 है, तो यानी कि आप 781 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 टू दी पावर 3। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये दो तरीके मैंने बताया, एक तो अंडर रूट 10 की वैल्यू निकालने से तरीके से बताया, दूसरा मैंने आपको रेंज दे दी 0.5 और 5 के बीच में, तो आप दोनों तरीके से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो भी कोई भी नंबर दिया उसको आप 10 की पावर के फॉर्म में दिखाना ही हमारा कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके स्टूडेंट, समझ गया? तो ये मैंने आपको दो तरीका बता दिया, एक तो तरीका ये वाला बता दिया जो कि रेंज दे रखी, दूसरा तरीका मैंने आपको ये अंडर रूट 10 की वैल्यू से कंपेयर करके बता दिया, दोनों केस में साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख के तब हम न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक आज आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इनकी तीनों की अगर कोई कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप उसमें मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके बाय बाय।